वेल हे गाइज, वेलकम बैक। आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आशीष कुमार। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट हाउस होल्ड डेली यूज़ में यूज़ करता हूँ, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं रिव्यू कर चुका हूँ। और आज जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जो मैं बेसिकली अभी यूज़ चल कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, वो है सिम्फोनी का विंटर कूलर। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम बता दें कि हम अपने चैनल पर लाइफस्टाइल से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो लाइफस्टाइल में बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। तो वीडियो को वॉक अराउंड आप देखते चलिए, और थोड़ा सा डिटेलिंग है इसलिए कि आप भी अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये जो वाटर कूलर है क्यों इतना इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छी खूबियों के साथ आता है। अंडरस्टैंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड के साथ। तो वो करंट में आप देखते चलें कि ये वाइट कलर का कंप्लीट है। जनरली जितने भी सिम्फोनी के वाटर कूलर आते हैं, कलर भी आते होंगे, लेकिन अधिकतर मैंने जो देखा है वो वाइट कलर का है। और ये विंटर मॉडल है, यानी अलग अलग मॉडल्स आते हैं। तो आप जब परचेस करने जाएंगे तो वो आपको कैपेसिटी के हिसाब से, यानी वाटर टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से आपको कूलर्स दिखाएंगे। उसकी स्पीड अलग अलग होती है, परफॉर्मेंस अलग होती है, और एरिया किस एरिया के लिए खरीद रहे हैं, मतलब आप अगर छोटे कमरे में रहते हैं तो इतने बड़े कूलर की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। और वाटर कूलर इसलिए फेमस होता है क्योंकि मूवेबल है। आप अगर आपके आपके घर में चार रूम है या पांच रूम है या हॉल है, तो आप अगर एक रूम में कहीं एसी नहीं है या बाहर में है या गलियारे में है, तो बालकनी में अगर बैठे हैं, तो अगर वहाँ एसी नहीं है तो डेफिनेटली आप वहाँ उसको मूव करके ले जा सकते हैं, आराम से दोस्तों के बीच खा सकते हैं। को जो भी करना है आप इजी टू मूव है, तो ठंडक का एहसास आपको बहुत अच्छे से मिलता है। फ़ैन की स्पीड इतनी अच्छी है कि आप जब लो बीच करके चलाएं तो लोगों को लगेगा कि फास्ट है, जो सबसे लो वेरिएंट है, ठीक है, जो स्पीड का। तो ये है क्लियर कट में यहाँ सिम्फोनी लिखा हुआ, और बहुत ही नाम ऐसा ब्रांड जो कूलर के लिए मतलब वेल नोन है, और जो भी जानते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है कूलर के क्षेत्र में। आप मैं डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि प्राइसिंग क्या है, एवरीथिंग वो है। मैं आपको थोड़ा नॉब बताता चलता हूँ। यहाँ पे हाई स्पीड है, मीडियम है और लो है। तो यहाँ पे तीन स्पीड है। तो ये जो लेफ्ट बटन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो स्पीड के लिए है, और ये है पहला जो बटन है ऑफ है, दूसरा कूलिंग है। फिर तो कूलिंग पे है क्या, मतलब सिंपली पानी ऊपर नीचे आते जाते रहेगा, यानी जो आपका जो कूलर में खस होता है वो कहीं ना कहीं आपको कूलिंग करने के लिए मदद करता है। और ये स्विंग और कूलिंग है, यानी स्विंग भी करेगा, यानी लेफ्ट राइट करेगा, और कूलिंग भी करेगा, दोनों चीज़ें। लास्ट में सिर्फ स्विंग करेगा, कूलिंग नहीं करेगा। यानी आप चाहते हैं कि पानी का कोई यूज़ ना हो तो स्विंग करते कर दीजिए, दाएं बाएं करेगा, यानी होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक, तो स्विंग स्टार्ट होता है। बस सिंपली बस इतना ही है, कुछ खास है नहीं। और ये कुछ जहाँ से विंडो की तरह है जो हवा निकालने में मदद करता है, तो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। काफ़ी बड़ा है और ह्यूज है, विंटर है, यानी आपको एक कंप्लीट एक लगेगा कि ठंडक का ही एहसास दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि वाटर और आइस दोनों रख सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अगर आइस ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जितना ज़्यादा पानी ठंडा होगा उतनी ज़्यादा आपको ठंड का होता है अनुभूति या फीलिंग होगी। तो ये है, और ये जो वाटर मीटर है आप कहीं ना कहीं यहाँ से चेक कर पाएंगे कि वाटर मीटर किस तरीके का। और अब पाँच रोलर आते हैं इसमें नीचे, यानी चक्के जो है पाँच हैं, यानी अच्छे से होल्ड कर पाएगा, पोजीशन अच्छे से होल्ड कर पाएगा। पानी भरना आसान होता है, पाइप से आराम से पानी भर सकते हैं। 51 लीटर का वो कैपेसिटी मैं लास्ट में आया आपको साइड में अभी दिखा ही देता हूँ। ये ड्रेन वाटर है, यानी पानी अगर ज़्यादा भर जाता है, ड्रेन करने का मतलब पानी ज़्यादा भर जाता है तो निकलता है ड्रेन वाटर। ठीक नीचे है ब्लू कलर का एक छोटा सा कैप रहता है, उसको निकालिए, पानी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी एक फैसिलिटी है। और यहाँ पे कुछ डिटेलिंग की कि अलग अलग मॉडल्स में कितने कितने कैपेसिटी के वाटर आपको देखने को मिलते हैं, क्या कंटेंट है, एवरीथिंग। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वोल्टेज कितना लेता है वो कहीं ना कहीं है। और जो ऑन साइट वारंटी आती है वो एक साल की आती है, यानी एक साल के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी लुकआउट करेगी आपको इस चीज़ के लिए। और तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और वाइट बहुत ही ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है, अगर आप इसे अच्छे से साफ सफाई रख कर करके अच्छे से चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक जो प्रोडक्ट था जो मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया था, और आने वाले दिनों में आपको और सा भी प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल घरों में, तो वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा ओवरऑल, आप मुझे ज़रूर अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर बताएंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं, हम इसीलिए आपको एक ओवरव्यू देते हैं, एक छोटा सा क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं हर वीडियो में, बताने की कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ को अवेयर हो पाएँ। और आप अगर खरीदना फिर सोच रहे हैं तो सिम्फोनी वन ऑफ द बेस्ट कूलिंग कंपनी है जो आपको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। तो
ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलते चलते मैं एक थोड़ा सा आपको क्विक डिटेलिंग एक स्नैप भी जरूर शेयर करता चलूँगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या है, कितनी सेंटीमीटर का है। और काफ़ी अच्छा हाइट है, यानी वो भी है। ये नॉब्स के थोड़े फीचर्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ताकि ये थोड़ा ड्रेन कहाँ से होता है, ये कि आइस कहाँ से रख सकते हैं, वाटर कैसे रख सकते हैं। कि ये रूम का छोटा सा पिक है कि आप रूम में किसी भी कोने में रखेंगे, इतनी हवा ज़्यादा होती है कि आराम से हर कोना ये कवर कर लेता है। बहुत ही अच्छा उम्दा प्रोडक्ट कूलिंग के क्षेत्र में। तो प्लीज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद है डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, एकदम बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मैं क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ।